नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे जुनून और मैं हूं आपके साथ अंबुज उपाध्याय। गाजियाबाद के लोनी में मिड डे मील खाने के बाद प्रेमनगर कॉलोनी के प्राथमिक विद्यालय में 25 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए CHC में भर्ती कराया गया, जिसमें से 3 बच्चों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें गाजियाबाद के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जबकि अन्य को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मामले को लेकर बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल में जमकर हंगामा काटा। SDM और खंड शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मिड डे मील के सैंपल जांच को भिजवाए तथा कार्रवाई का पैच आश्वासन दिया, तब जाकर लोग शांत हुए। आपको बताते चले कि लोनी के प्राइमरी स्कूल में बुधवार को बच्चों को मिड डे मील में ताहरी और दूध परोसा गया था। मिड डे मील खाने के बाद अचानक से 25 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। एम्बुलेंस बुलाकर सभी बच्चों को उपचार के लिए लोनी CHC में भर्ती कराया गया। वहां अर्श और रेहान समेत 3 बच्चों को गंभीर हालत देखते हुए गाजियाबाद के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि सभी अन्य बच्चों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बच्चों की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही उनके अभिभावक स्कूल पहुंच गए और प्रधानाचार्य पर घटिया और मिलावटी मिड डे मील तैयार कराकर परोसे जाने को आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। मामले की सूचना मिलते SDM अरुण दीक्षित और खंड शिक्षा अधिकारी दीपक गौतम मौके पर पहुंचे। खाद्य निरीक्षक को मौके पर बुलाकर मिड डे मील में प्रयुक्त की गई सभी खाद्य सामग्रियों को सैंपल भरवा कर लेक्शन हुआ है। सर, साजिश भी नहीं कह सकती, हो सकता है फूड पॉइजनिंग भी हो गई हो, लेकिन मेरी तरफ से सर, मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश की। आपकी तरफ से जो क्वालिटी दी गई थी वो 100% प्योर और वेजिटेरियन थी। जी सर, थैंक यू। तो ये थी लोनी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता प्रमोद गर्ग की रिपोर्ट। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए टुडे जुनून। नमस्कार।